जल प्रबंधन निगम ने पानी के टैरिफ में 10% की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव रखा है। इस बढ़ोतरी ने शिमला में स्थित लगभग 300 होटल कारोबारियों की कमर तोड़ दी है। बढ़ोतरी के बाद होटल के पानी का रेट कमर्शियल पानी के रेट से 67.5% अधिक महंगा हो गया है। हिमाचल के सभी शहरों में होटल व्यवसायियों से 27 रुपए प्रति लीटर पानी का रेट चार्ज किया जाता है तथा कोई स्लैब सिस्टम भी नहीं लगता। वहीं शिमला में 10% बढ़ोतरी के बाद पानी का रेट 96.64 रुपए से लेकर 177.14 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहिंदर सेठ ने कहा कि स्थानीय विधायक व मुख्यमंत्री के समक्ष इस मांग को रखा जाएगा कि जल्द इस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, अन्यथा होटल की चाबियां SJPNL को सौंपनी पड़ेंगी। होटल कारोबारियों की वजह से हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, यदि इस तरफ सरकार ध्यान नहीं देती तो कारोबारी खत्म हो जाएंगे और जिन लोगों को रोजगार मिल रहा है उनका भी रोजगार छिन जाएगा। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। देखिए ऐसा है कि ये तो एक होटल इंडस्ट्री की बिल्कुल कमर तोड़कर रख दी गई है। कारण ये है कि हिमाचल के अंदर शिमला एक ऐसा शहर है जहां पर सारे हिमाचल में जितने भी शहर हैं उसे सबसे अधिक पानी का जो रेट है वो चार्ज किया जाता है और इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, होटल इंडस्ट्री को कैटेगराइज। अल्टीमेटली 270 के करीब होटल हैं, उन पर कितना का बर्डन डाला जा सकता है ये सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है। और ये जो अभी जो बढ़ोतरी हुई है, अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम समझते हैं कि हमें जो है हो सकता है कि होटल इंडस्ट्री को जो चाबियां जो SJPNL को सौंपनी पड़े, क्योंकि जो हमारा एक थ्रस्ट होती है कि एक लिमिटेशंस होती हैं। अब कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो कहाँ से होटल वाला उसको पूरा करेगा। रहते कूते उधर जो इतने खुलते चले जा रहे हैं, B&B खुलते जा रहे हैं, जिसमें कि कोई अंकुश लगाने के ऊपर सरकार नहीं सोच रही है, उसका जो सीधा सीधा असर है होटल इंडस्ट्री में पड़ रहा है। होटल इंडस्ट्री वालों ने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी है, तो सरकार को ये सोचना पड़ेगा, ये SJPNL को भी इस पे अपना सोचना ही पड़ेगा कि इसको इस रेट को जो है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो होटल इंडस्ट्री जो है डेफिनेटली कोलैप्स कर जाएगी। अभी इतना हुआ है, अब उसके बाद ये प्रॉपर्टी टैक्स के रेट बढ़ जाएंगे, उसके बाद वो गार्बेज फीस बढ़ जाएगी। और होटल इंडस्ट्री से शिमला एक ऐसा शहर है जिसके अंदर की सबसे ज्यादा मार जो है होटल इंडस्ट्री पे पड़ती है, तो उसकी लिमिट है। अब 260 होटल्स कितना का इनको बर्डन दे सकते हैं, इनको अपने आप समझने की आवश्यकता। सर पहले क्या रेट था और अब उनकी दरों में जो है कितनी बढ़ोतरी और अब क्या नई दरें हैं? देखिए जी, कमर्शियल पानी से जो हमारा होटल को सेग्रीगेट किया है उसके अंदर 67% के करीब जो है अधिक रेट वसूला जाता है। उसके ऊपर जो मार है वो स्लैब सिस्टम लगाया गया। स्लैब सिस्टम लगाने से जो 30 किलो लीटर तक जो है एक स्लैब लगाई जाती है, जिसका अप रेट जो है मेरे ख्याल 97 रुपए हो जाएगा, और दूसरी स्लैब जो है वो 30,000 लीटर से ऊपर की जो कंजम्पशन है उस पर वो 197 रुपए करीब हो जाएगा, और जो 75,000 किलो लीटर से ऊपर है उसके ऊपर जो जाके 128 रुपए किलो लीटर हो जाएगा। तो ये जो इतना रेट है, इतना भारी भरकम रेट जो है होटल इंडस्ट्री नहीं सहन कर सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि इतना हाई रेट्स के ऊपर पानी का रेट दिया जाए, जबकि सारे हिमाचल के अंदर सारे शहरों में 27-28 रुपए किलो लीटर पानी दिया जा रहा है। तो हमें ये समझना, हमसे ये बेइंसाफी क्यों की जा रही है कि इतना हाई टैरिफ हमसे चार्ज किया जा रहा है। अपने बेसिस बेस को बढ़ाएं। आप B&B को तो डोमेस्टिक रेट पे पानी दे रहे हैं और होटल इंडस्ट्री को आप बिल्कुल डुबोने की कगार पे चल पड़े। तो ये सारी चीजों को जो है हम अभी माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे और उससे पहले हम अपने स्थानीय विधायक अनीश डाटा जी से भी मिलेंगे। अभी थोड़े हमारे लोग कुछ थोड़े बाहर गए हुए हैं क्योंकि मार्केटिंग के लिए गए हैं। मैं समझता हूँ कि मिडिल ऑफ फरवरी तक वो लोग वापस आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इनके समक्ष ये बात रखेंगे और गुहार लगाएंगे कि इस चीज को रैशनलाइज किया जाए, होटल इंडस्ट्री को ना खाए। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।